दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत, वह है भारत का जीव मंडल। जीव मंडल के बारे में, इसमें जैव अभयारण्यों के बारे में, अन्य बातों के बारे में हम जानेंगे, व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे सबका। यहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आते हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे वीडियोज़ महत्वपूर्ण हैं, ये बुक ही बहुत अच्छी है। NCERT बेस्ड कक्षा 6 से 12 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो यदि आप GS नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आप अगर पहले वीडियो से एक एक सेगमेंट पढ़ते जाएं तो भी आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों, ग्रुप में अब मैं हर एक वीडियो का PDF न देकर एक साथ मैं दे दूंगा। जैसे भारत का भूगोल अभी चल रहा है तो भारत के भूगोल, या फिर भूगोल जब तक चलेगा, जब भारत का भूगोल होगा फिर विश्व का भूगोल होगा, तो भूगोल का एक पूरा सेगमेंट मैं दे दूंगा। तो अभी ये भारत का भूगोल चल रहा है तो भारत के भूगोल का पूरा सेगमेंट का PDF एक साथ मैं ग्रुप में दे दूंगा। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा है दोस्तों? हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, 1936 में स्थापित हुआ, तब उसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान होता था। आज हम जिसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। तब यह उत्तर प्रदेश में था, बाद में उत्तराखंड जब अलग हो गया तो अब उत्तराखंड में स्थित है। तो सी इसका उत्तर होगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की, याद रखिएगा कभी कभी नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, तो रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वर्तमान में इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इस बार एक प्रश्न भी आया था जो विवादित रहा कि बाघ परियोजना भारत में, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, तो उसका आंसर 1973 होना चाहिए था, लेकिन 1972 था सबसे नज़दीकी, उसको उत्तर न मान के डिलीट कर दिया इस प्रश्न को, ठीक है। हालांकि याद रखिएगा वर्ष 1973 में भारत में बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसका संबंध किससे है? नेशनल पार्क, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जीवमंडल नीचे, वन्य प्राणी अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य, तो इसका उत्तर होगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बी इसका उत्तर है दोस्तों, ठीक है। जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जीवमंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों 11वां शामिल किया गया है, कौन सा? कंचनजंगा, सिक्किम का कंचनजंगा अभी हाल ही में शामिल किया गया है पिछले वर्ष, अब 11 हो गए हैं, इसके पहले 10 थे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं, कौन कौन? नीलगिरी तमिलनाडु, याद रखिएगा ये सब लिख लीजिए कहीं पर, नीलगिरी तमिलनाडु के केरल, तमिलनाडु केरल व कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्ता मलाई ये केरल व तमिलनाडु में फैला हुआ है, एवं कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, अभी हाल ही में इसको मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, अर्थात विधि द्वारा परिभाषित होती है, बिल्कुल सही है। कौन सी विधि इसके लिए बनाई गई थी? वन्य जीव अधिनियम, कौन सा? 1972 पूछता भी है, ठीक है, 1972 यह याद रखिएगा आप, ठीक।
राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, सही है। दूसरा है जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, यह भी सही है। तो 1, 2, 3, सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति वन जीव अभयारण्य में होती है, तीनों ही सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों डी होगा, तीनों सही है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम मैब जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित होती है, किससे? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से, जिसे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति होती है, याद रखिएगा। जीव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों और वन जीव अभयारण्य होते हैं, इनमें अंतर पाया जाता है। जीव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व में मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, यहाँ मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन जीव अभयारण्य में सीमित अनुमति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? आपने देख ही लिया होगा इसका उत्तर, कहाँ? मिजोरम में है दोस्तों, ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, सी इसका उत्तर है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बी इसका उत्तर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राज्य के उमरिया जिले में स्थित है, वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उल्लेखनीय बात है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ सफेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग टूर में गए होंगे बचपन में दोस्तों, यहाँ पे शिवपुर करके एक स्थान है, कोलकाता में स्थित है ना, आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, मैं भी गया था बचपन में, काफ़ी शरारतें होती थी, तो ए इसका उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम राक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की थी। सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो दोस्तों ये बाघ से संबंधित है, याद रखिएगा, सरिस्का और रणथंबोर बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं दोनों, ठीक है, तो सी इसका उत्तर होगा, टाइगर रिजर्व है। सरिस्का और रणथंबोर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है, दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंबोर उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है, राजस्थान में दोनों स्थित हैं, ठीक है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध है दोस्तों काजीरंगा, ठीक है, सघन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं, बी इसका उत्तर है, काजीरंगा असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कितने? विश्व के 2/3। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए ये प्रश्न सीधे सीधे यूपीएससी में पूछ लिया गया था, तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
तो दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी घाट सह्याद्री जिसको बोला जाता है, ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। नौका सी, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान है। मेंस में कभी आपसे पूछ भी सकता है 20 शब्द में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन टिप्पणी, तो ये टिप्पणी आप कर दीजिएगा। ये व्याख्याएं आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। अगला है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी भी यहां इस नाम की है, तमिलनाडु में स्थित है। सी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, होमवर्क क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, भारत सरकार ने वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यह परीक्षाओं में आना है। अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार दोस्तों यह हाथियों के लिए भी जाना जाता है, जंगली हाथियों के लिए भी फेमस है पेरियार, ठीक। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। सी इसका उत्तर है, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है, केरल राज्य में इदुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में, ठीक है, असम में, बी में। मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है, स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, सबसे अधिक जंगली भैंसा यहाँ पे पाया जाता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात राज्य में स्थित है। जंगली गधा और जो बबर शेर होता है उसके लिए जाना जाता है, गिर सिंह के नाम से भी जाना जाता है बबर शेर, ठीक है। तो बी इसका उत्तर है, गिर जंगल गुजरात राज्य में स्थित है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। फिर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा जाता है यह, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ रेड हैंडेड गिद्ध, चीतल, वृहद वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जहां स्थित है वहां भी अभी स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाट नाम याद रखिएगा, मैक्सिमम जो घाट नाम के बाघ अभयारण्य या आरक्षित क्षेत्र हैं या राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गवलीगढ़ पहाड़ियां इसकी सीमाएं बनाती हैं। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है, डी इसका उत्तर है। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो कई बार अंशी को अकेले पूछ लेता है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य,
या फिर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये कहां स्थित है? कर्नाटका में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में, हमने बताया आपको 11वां बाघ आरक्षित, बाघ 11वां इसको यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इसी वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। कस्तूरी मृग याद रखिएगा। दूधवा टाइगर रिजर्व अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, 20 का उत्तर है। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दूधवा टाइगर रिजर्व में आपको आ सकता है उत्तर प्रदेश विशेष के तहत इस पर टिप्पणी पूछ सकता है, या फिर प्री में यह पूछ सकता है कि नेपाल के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा इनमें से कौन सा अभयारण्य बनाता है, तो दूधवा टाइगर रिजर्व याद रखेगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? तो दो हैं याद रखिएगा, एक पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है। यहाँ पर पूर्वी हिमालय नहीं है ना, हाँ, तो पश्चिमी घाट ही इसका उत्तर होगा, ए। ठीक, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट का भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। देखिए जितने भी अभयारण्य हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, और जितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं पूरे भारतवर्ष में होती हैं सभी में पूछे जाने वाले ये हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हांगुल मृग जिसको कहते हैं पाए जाते हैं। हंगुल IUCN की लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पन्ना, पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरे, यहाँ पर हीरा पाया जाता है, हीरे का उत्पादन होता है, ठीक है, पन्ना में, मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ये देखिए सबसे अथेंटिक उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। कई बार कई किताबों में आपको गलत मिल जाएगा, लेकिन आप आज से याद रखिएगा, 20 का उत्तर है 10। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 10 है, ठीक है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप और तटीय प्रदेश। ठीक, शॉर्ट नोट्स में अगर आएगा आपको मुख्य परीक्षा पूछ सकता है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करें, तो वर्णन में आप अगर 20 शब्दों में पूछेगा, 75 शब्दों में पूछेगा, तो बस आप लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण या स्वयं डियर की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कान्हा, जिसे किस रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? बारह सिंघा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला यह राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारह सिंघा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान में से प्रेरित है, याद रखिएगा। रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है, क्या नाम है उसका? जंगल बुक, ठीक, जंगल बुक, और उसकी प्रेरणा किस उद्यान से संबंधित है? इसी कान्हा से, ओके। अगला है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर
निर्भर संबंधित रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, ठीक है, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं। और इस तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। 25 का ए इसका उत्तर होगा। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? स्पेशल क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो दोस्तों कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान यह नेपाल में स्थित है, बाकी सब तो इंडिया में ही है। यह किसका है? भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का यह विस्तार है। तो 26 का ए। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यहाँ से आपको यहाँ से दो फैक्ट मिल जाते हैं। पहला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। और यह इसका जो विस्तार है वो कहाँ, क्या ना, किस नाम से जाना जाता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ स्थित है? नेपाल में। यह 932 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पे? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। सी इसका उत्तर है, 27 का सी। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन जीव अभयारण्य है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव IUCN की संकट प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है, याद रखिएगा, खच्चर IUCN की संकट प्राय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? UPPCS का यह एक, क्या कह सकते हैं, चिन्हित प्रश्न है, आता ही आता है। दो तीन प्रश्न यहां इस तरीके के आपसे पूछे ही जाएंगे। तो बांदीपुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, हमने बताया। मानस कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। रणथंबोर राजस्थान में स्थित है, सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। तो सी इसका उत्तर होगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सिमलीपाल दोस्तों, इस यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, झील, झरना, बाघ, हाथी, हिरन, बहुत सारी जीव जातियां पाई जाती हैं, ठीक। तो ये वन्य जीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ए इसका उत्तर होगा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज में क्या पाया जाता है दोस्तों? कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। यहीं पर पास में ही कुद्रेमुख, क्योंझर जैसे लोहा प्रधान, लोह अयस्क प्रधान क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्ता मलाई जीव मंडल विस्तृत है? तो अगस्ता मलाई यह एक धार्मिक स्थल भी है, हाल ही में चर्चित भी था यह स्थान काफी। केरल और तमिलनाडु में जीव मंडल यहाँ विस्तृत है। ए इसका उत्तर है। अगस्त मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वर्तमान में 18 है, याद रखिएगा। और भारत में पहला कहाँ स्थापित किया गया? तो हमने आपको अभी बताया था, तो पहला जो है नीलगिरी में। यह नीलगिरी कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। सी इसका उत्तर है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में स्थित है।
डी इसका उत्तर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? अक्सर लोग उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, गलत हो जाता है, तो हरियाणा याद रखिएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है, बी इसका उत्तर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है, यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं, यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र हैं, काफ़ी लोग बायोस्फीयर रिजर्व में चले जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, इनको जो है किसके द्वारा शासित किया जाता है? वन्य जीव अधिनियम, जो संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, ठीक। तो बी इसका उत्तर है। वन जीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र या कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा सूचित किया जाता है, तो कानूनी रूप से आरक्षित होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, वन जीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास या राष्ट्रीय उद्यान देखकर इसको भी आप लोग कभी टिक कर देंगे, लेकिन वन जीव अभयारण्य में यह भी शामिल हो सकता है, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, वन जीव अभयारण्य बी, आप इसको सही मारेंगे। सुमेलित करना है, गिर वन कहाँ है? गुजरात में, अभी हमने बताया। भरतपुर राजस्थान, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बांधवगढ़ सेंचुरी अभी हमने बताया, मध्य प्रदेश। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर है? असम में है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? बी 4, 1, 2, 3। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? अभी हमने आपको बताया, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सन भी दिया है, किस सन में इनको घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, डी इसका उत्तर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 में स्थित है। वन्य जीव अधिनियम या वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है या है? तो ए है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, पशु विहार या वन्य जीव अभयारण्य जिसको बोलते हैं। तो बी भी सही है, तो सी इसका उत्तर होगा। एक बार पढ़ देते हैं। भारत में वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इसे अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। इस अधिनियम के क्या क्या? अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा नेशनल पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य या पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो के साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल से तीन तीन वीडियो करके, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, होता है ना कैप्सूल, एक सुबह खाइए, एक दोपहर खाइए, एक शाम खाइए, तो ऐसा करके जल्द इसको समाप्त कर देते हैं, ताकि वन मंथ में आपका पूरा जीएस कवर हो जाए एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर ली, ठीक। तो इसको करते हैं वन मंथ तक, इसी को चलाते हैं, फिर बाद में देखेंगे अन्य चीज़ों को, लेकिन यहाँ से क्या होगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, एक एक टॉपिक के बारे में आप जान जाओगे अच्छे से, ठीक। अभी भूगोल चल रहा है, इसके बाद जल्द ख़त्म करके इसको विश्व का भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, उसके बाद साइंस, फिर बचेगा पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सब होता रहेगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।